हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ लॉग 2 इक्वल टू 0.301 देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 टू द पावर 1024 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन है आपके पास 307, 308, 309, 310। तो बेसिकली हमें क्या बोल रखा है कि जो ये नंबर है, इस नंबर का अगर मैं एक्सपेंशन करूँगा कि 2 की घात 1024 का मान होगा, जो जो मान आएगा वो कितने नंबर की डिजिट होगी ये बताना है मुझे, जबकि मुझे दे रखा है लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो बेसिक सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैं क्या मान लेता हूँ कि मैं जो ये गिवन नंबर है एक्स, इसको एक्स के बराबर माना मैंने, एक्स बराबर क्या हो गया 2 की घात 1024। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि इसका क्या करते थे, लॉग निकालते थे। लॉग एक्स बराबर क्या कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 की घात 1024। और इसको आप जानते हो कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1024 इंटू लॉग 2, लॉग की प्रॉपर्टीज आप जानते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1024 गुणा गया क्या है, लॉग 2 की वैल्यू। लॉग 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.301। तो ये हमारा कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट करने पे, ये मल्टीप्लाई में है ना, इंटू, तो इंटू 0.301, ये आएगा हमारा 308.22, इतना आ रहा है। और अगर ये इतना आ रहा है तो जो डेसिमल के बाद वाला एक्स मतलब पार्ट है इसको छोड़ देते हैं, और जो आगे वाले पार्ट है ये कितने हैं, जैसे 308 है, इसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, कितना आ गया 309। तो जो ये नंबर आया है यही क्या हो जाएगी, इतने डिजिट हो जाएंगे इसके एक्सपेंशन में, किसके एक्सपेंशन में, 2 की घात 1024 में इतने डिजिट होंगे, ये मैं कह रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि क्या ये राइट है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सिंपल सिंपल वे में जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे सपोज, ये तो हमें क्या दे रखा था, लॉग 2 की घात 1024 दे रखा था। अब हम थोड़ा छोटी घात करते हैं, जैसे 2 की घात, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की घात कितना का मान, 2 की घात 10 का मान कितना होता है, ये होता है 1024 होता है। आप करके देख लो कैलकुलेटर में, 2 की घात 10 का मान कितना होता है, 1024 होता है। तो इसके एक्सपेंशन में कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। अब देखो मैं क्या यहाँ पे ये लॉजिक फॉलो करके कि जैसे हमने यहाँ पे किया, इसके एक्सपेंशन में कितने डिजिट का नंबर मिलेगा, तो ऐसे ही मैं क्या यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे ही इसी मेथड को फॉलो करते हुए। तो अगर ये मेथड सही है तो यहाँ पे जो डिजिट का नंबर आएगा वो 4 डिजिट आनी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए इस केस में, तो देखते हैं जी, हम इसको ऐसे कर सकते थे। अगर मुझे इसके एक्सपेंशन में डेसिमल निकालने हैं तो मैं क्या कर सकता था, इसको ऐसे लिख सकता था, इसका लॉग लेके, लॉग 2 टू द पावर 10, तो कितना हो जाता है, इसको मैं लिखता 10 इंटू लॉग 2 हो जाता, 10 इंटू लॉग 2 हो जाता, 10 इंटू कितना हो जाता, लॉग 2 की वैल्यू, ये हो जाती 0.301, यानी कि इसका 10 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाता हमारा 3.01 दे देता। तो यहाँ से मैं क्या कर देता, डेसिमल वाला बात का पार्ट छोड़ देता, आगे का जो पार्ट है वो लेता एग्जैक्ट नंबर वाला, तो 3 प्लस क्या कर देता, 1 कर देता, तो 4। तो यहाँ पे देखो, इस लॉजिक से भी अगर मैं करता तो 2 की घात 10 में कितने एक्सपेंशन आने चाहिए थे, इनमें कितने डिजिट का नंबर मिलना चाहिए था, 4 डिजिट का। और यहाँ पे जब मैंने डायरेक्ट करके देखा 2 की घात 10, तो कितना आया, 4 डिजिट का ये नंबर है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही है, कि जब भी हमारे पास ऐसा कंडीशन हो कि किसी के एक्सपेंशन में आपको क्या दे रखा हो कि कितने नंबर हैं किसी के भी एक्सपेंशन में, और जो बेस है उसका लॉग आपको दे रखा हो, तो आप उसके एक्सपेंशन में कितने डिजिट का नंबर होगा वो फाइंड कर सकते हो। जितना नंबर आएगा उसमें जो डेसिमल वाला पार्ट है वो छोड़ दो, जो आपके पास एग्जैक्ट नंबर है आगे उसको ले लो, उसमें 1 ऐड कर दो, उतने डिजिट का नंबर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, इसमें राइट हो जाता। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।